आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, सीआईएसएफ द्वारा निकाले गए साइकिल रैली, लखनऊ से दिल्ली के लिए निकली है साइकिल रैली, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने दिखाई हरी झंडी। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, दिल्ली के राजघाट महात्मा गांधी की स्मृति पर पहुंचेगी यह रैली, जगह जगह लोगों को जागरूक कर बताएंगे आजादी के बाद काकोरी के शहीद स्मारक से निकाले गए साइकिल रैली। दिल्ली के राजघाट महात्मा गांधी की स्मृति पर पहुंचेगी यह रैली, सांसद कौशल किशोर ने दिखाई हरी झंडी, जगह जगह लोगों को जागरूक कर बताएंगे आजादी की बात। ये आज से रवाना होकर के 2 अक्टूबर को राजघाट पे सभी जितने जत्थे हैं वो अपनी जर्नी समाप्त करेंगे। कितने लोग हैं जर्नी में, कितने इस रैली में? 20 जवान हैं। क्या स्टे इनका कितने दिनों में पहुंचने के हैं, कहाँ कहाँ स्टे करेंगे? ये 10 जगहों पे रुकेंगे और इस दौरान जन भागीदारी से जन आंदोलन, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का ये उद्देश्य है। रास्ते में जो लोग मिलते हैं क्या उनको ब्रीफ भी करेंगे कुछ इस तरह का? उनको ब्रीफ करेंगे और अपने जो हम पूरे देश भर में तैनात रहते हैं उस भावना को जागृत करने की का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे हैं और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 75 सप्ताह पहले से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में शुरू करने का काम किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में देश के लोगों के अंदर एक राष्ट्र भावना पैदा हो, देश के प्रति प्रेम हो, देश के लिए काम करने की भावना, तो ये भावना जब पैदा होगी तो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, लोग अपने लिए काम नहीं करेंगे लेकिन देश के लिए काम करेंगे, देश को ये भावना पैदा करने के लिए UCISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वो पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे आज काकोरी शहीद स्मारक से। और अब आपको कानपुर से